नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दोस्तों नरेंद्र है। दोस्तों आज मैं आपको चिंताहरण महादेव के दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे एक बहुत प्राचीन मंदिर है, उसके मैं आपके अब दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों दर्शन करते हैं, चलो दोस्तों। और दोस्तों देखिए नज़र, आप ऐसी जगह मेरे महादेव रहते हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं। बस थोड़ी देर में 10-5 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। दोस्तों ये जगह है चकराता और ये देहरादून से 90 किलोमीटर दूर है। दोस्तों इस मंदिर का नाम है चिंताहरण महादेव, वैसे इसको पहले बावड़ी मंदिर कहते थे। और चिंताहरण महादेव इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ जो लोग आए उनकी चिंताएँ दूर हुई, तो जतो नाम ततो गुण। और दोस्तों ये शिवलिंग स्वयं जमीन से निकला है, स्वयंभू लिंग है। कहते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा खुद भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खुद ब खुद बढ़ रहा है। दोस्तों इतना सुंदर शिवलिंग है कि पूछो मत। तो दोस्तों अब बस यहाँ से 10-15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। तब तक दोस्तों कुछ ना कुछ बातें करते हैं वहाँ तक, ये तो हम रास्ते पर बोर हो जाएंगे दोस्तों। हाँ बात करते हैं भाग्य पे। कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास में डालता है, जो आलसी लोग होते हैं, जो कर्महीन लोग होते हैं वो ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, वो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा। दोस्तों आज हम इसी पे बात करते हैं। दोस्तों असल में कि ज्योतिष है क्या? ज्योतिष है भविष्य को देखने की आँखें। इसके द्वारा हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में आगे क्या होगा और उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। मान लो कोई घटना घटने वाली हो और हमें कुंडली द्वारा पता चल गया हो कि ऐसा हो सकता है, तो आदमी उसके लिए तैयार रहता है, ना कि उसको डर, यानी कि ये नहीं कि वो सोच के या सुन के डर जाए। इसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ की तैयारी करे। जैसे मान लो किसी लड़के को कहा कि तेरी कुंडली में पढ़ाई नहीं है तो पढ़ नहीं सकता है, या किसी को कहा कि तेरे उसमें जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो उसको ये नहीं कहा कि तू ये सोच के पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दे या उससे दूर हो जा। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कुंडली में पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई को मजाक में नहीं लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा ताकि आप सफल हो। वैदिक ज्योतिष कभी भी भाग्य से भागने की बात कभी नहीं करता है, ये वैदिक ज्योतिष की खासियत है। अब बात करते हैं कर्म की। लोग कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, वाकई कर्म सब कुछ है, पर कर्म अगर कोई इंसान चोरी करने में कर्म लगा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, सोच रहा है, तो क्या वो कर्म ठीक है? कोई इंसान कर्म कर रहा है आपका डकैती करने की सोच रहे हैं, या मर्डर करने की सोच रहा है, या आतंकवाद फैलाने की सोच रहा है, तो भी मेहनत ही है, वो सही है। क्योंकि मेहनत भी तो इंसान वहीं करेगा जहाँ सही होगा। तो मेहनत करने के लिए चाहिए बुद्धि। जिसकी बुद्धि अच्छी होगी वो तो सही जगह कर्म करेगा, वही तो कुछ ऐसे काम ढूंढेगा जिससे आदमी सफल हो। तो अच्छे कर्म करने के लिए अच्छी बुद्धि का होना ज़रूरी है। अब अच्छी बुद्धि कैसे बनती है? अब अच्छी बुद्धि दुकान में तो नहीं मिलती है। अब बुद्धि है क्या, अब वो समझते हैं। दोस्तों देखो, आप पढ़ लिख के ज्ञानी बन सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप बुद्धिमान बन गए। क्योंकि जितने भी अनपढ़ हैं संसार में वो मूर्ख नहीं है, वो भी बुद्धिमान है। क्योंकि बुद्धि तो ईश्वर देता है, किताबें कुतुबें ज्ञान हम सीख सकते हैं लेकिन बुद्धि ईश्वर देता है। अब एक बात सोचो, हम जो किताबें पढ़ते हैं या लिखते हैं उससे हम ज्ञानी बन जाते हैं, उससे ज्ञान अर्जित करते हैं। बुद्धि के लिए तो इंसान को अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। अच्छे कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म होते हैं लोगों की सेवा करना, जो भूखा आप उनको खाना खिला रहे हैं, जिनके कपड़े नहीं आप उनको कपड़े दे रहे हैं, किसी के दुख के बारे में सोच रहे हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोगों की मदद नहीं कर सकते, कोई इंसान दुखी है, अगर हम उसके लिए भगवान से प्रार्थना ही कर रहे हैं तो ये भी सेवा ही होती है। जो इंसान ऐसा होता है उसकी भगवान बुद्धि प्रकट देता है, उसे बुद्धि देता है, और जिसको भगवान बुद्धि देता है तो वो अच्छे कर्म करता है, और जो अच्छे कर्म करेगा तो उसका भाग्य तो बन ही जाएगा। तो भाग्य हुआ या कर्म हुआ ये सब बुद्धि पे टिका है, और बुद्धि कौन दे रहा है? ईश्वर। और ईश्वर बुद्धि क्यों दे रहा है और कब देता है? ईश्वर बुद्धि तब देता है जब इंसान इंसान की चिंता करे, परवाह करे, अपने मम्मी पापा की चिंता करे, उनको बुद्धि ईश्वर देता है। मेरा मानना तो यही है। दूसरा आपने सुना होगा विनाश काले विपरीत बुद्धि, ईश्वर बुद्धि तो हरता और क्या करता है, ठीक है, क्योंकि देने वाला भी वही है। ईश्वर चाहे
तो कालिदास जैसे महामूर्ख को भी विद्वान बना देता है। ये ईश्वर है, कहते हैं कि ईश्वर चाहे तो राय का पहाड़ कर दे और पहाड़ का राय कर दे, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। कहते हैं कि देवता खाते हैं, इंसान खाते हैं देवताओं की और देवता खाते हैं ईश्वर की। और क्योंकि देवताओं ने ना, हर देवता के पास कोई ना कोई डिपार्टमेंट है, किसी के पास विद्या का है, किसी के पास रूप का है, किसी के पास ज्ञान का है, हर किसी के पास कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया गया है। अब क्या होता है तो वो इंसानों को देता है, ठीक है, लेकिन ईश्वर तो इनसे भी ऊपर है। ईश्वर तो वो भी दे सकता है जो जिसके नसीब में नहीं है, ईश्वर के लिए कोई भी संभव नहीं है। पर ईश्वर उन लोगों से खुश है जो इंसानों की परवाह करते हैं। और दूसरी बात, जो लोग अपने माता पिता की पूजा पाठ करते हैं, यानी अपनी माता की सेवा करते हैं, उन्हें ही भगवान समझ लेते हैं, दिन रात उनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा स्वयं ईश्वर करता है। यही हमारी ईश्वर की खासियत है। और जिनकी सेवा ईश्वर करे, जिनके ऊपर ईश्वर का हाथ हो, तो उनकी बुद्धि हमेशा बनी होती है। और जिनकी बुद्धि बनी होगी वो अच्छी जगह कर्म करेंगे ही करेंगे, और जब अच्छी जगह कर्म करेंगे तो फिर रिपीट करता हूँ तो उनका भाग्य बन ही जाएगा। तो मेरा मानना तो यही है दोस्तों। देखो कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। अब बस मुश्किल से 5 मिनट बाद हम मंदिर पहुँच जाएंगे। हाँ, बुद्धि से क्या बोलते हैं, हाँ, कर्म से बुद्धि बनेगी और बुद्धि से फिर आदमी अच्छे कर्म करेगा। और अच्छी बुद्धि कहाँ से बनती है, अच्छी बुद्धि बनती है अच्छे कामों से, बस मैं तो ये जानता हूँ। ये नहीं ज़्यादा आपने बड़ा पढ़ लिया या फिर ज़्यादा पैसा कमा लिया या बैठ के ज्ञानियों के पास, ऐसा कुछ नहीं होता या मेहनत कर रहे हैं। बुद्धि सिर्फ बनती है अच्छे कर्मों से। अच्छे कर्म क्या होते हैं, अच्छे कर्म ये तो होते हैं, लोगों की सुनो, सहायता करो, दुख सुनो, मदद करो, बस। आप जितना अच्छा करोगे आपकी बुद्धि अच्छी बनेगी, और आपकी बुद्धि अच्छी बनेगी तो आप पर संतुष्टि आएगी। और अभी भाव आके जा रहे हैं, हम गिर भी सकते हैं, फिसल भी सकते हैं। जय भोलेनाथ की। ब्रेक लगाना पड़ेगा भैया, लगा दिया ब्रेक। हाँ, और दोस्तों अब पहुँचने वाले ही हैं हम, रुक जाओ, देख रहे हो, पहुँचने वाले हैं हम। बस ये मोड़ है, इसी मोड़ के नीचे वो मंदिर है, चिंतारण महादेव मंदिर। कहाँ पर है, चकराता में। और जब चाहता जब चाहता जरूर आओ आप लोग, ये बहुत सुंदर जगह है। अब मैं आपको पहुंच के वहां से कैमरा ऑन करता हूँ शिवलिंग के पास। दोस्तों बस अब हम मंदिर पहुंच ही गए हैं। ये देखिए आप नज़ारा देख रहे हैं आप, ये रोड़े देखें आप, ये पेड़, ये देखो ऊपर का पूरा सीन देखें आप। या वाकई यहाँ के तो ना आपको वाकई चिंतारण महादेव महसूस ही हो जाएंगे कि आपके साथ ही है। ये देखिए आप, बस ये हम आ गए हैं, पहुँचने वाले हैं, ये पहुँच गए हम, ये हैं मंदिर पहुँच गए हैं। ये देखो पेड़, ऐसा लगता है जैसे हजारों ऋषि मुनि यहाँ बैठ के इनकी तपस्या कर रहे हैं, ऐसा लगता है इन पेड़ों को देख के। देख रहे हैं आप ये। और अब हम आपके हो गए एंटर चिंतारण महादेव मंदिर। बाबा जी शायद कुटिया में है अपनी, यहाँ पे एक बाबा जी भी रहते हैं जिनका नाम है सिद्धेश्वर महाराज, वो यहाँ पूजा पाठ करते हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको इनके पक्का दर्शन हो जाएंगे। जूते खोल दिए हैं, अब आगे देखिए कि छोटे से नंदी जी हैं यहाँ के, जो मैं फ्रंट कैमरा कर देता हूँ। और ये है छोटे से नंदी जी, देखे हैं आपने। आप धीरे धीरे हम आपको चिंतारण महादेव का, ये बहुत ही बड़ा शिवलिंग है जो अपने आप जमीन से निकला है। ये देखिए, ये है वो चिंतारण महादेव, देख रहे हैं आप, ये वो शिवलिंग है। और चिंतारण महादेव की जय दोस्तों। ये हमारे हनुमान जी भी हैं यहाँ पे, और आपके राम जी का परिवार, दुर्गा माता, और ये है हमारी वो शंकर भगवान। देखिए कितना बड़ा शिवलिंग है, ये जमीन से खुद निकला है। और आप लोग भी भाग्यवान हैं जो आप इनके दर्शन कर पा रहे हैं। सच में आप लोग यहाँ आएँ, ज़रूर आएँ और इनके दर्शन करें। सच में ये बुद्धि भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, और मन की चिंता भी हर लेते हैं। जय चिंतारण महादेव की जय। अभी आता मिलता हूँ आपसे चिंतारण। अब मैं दिखाता हूँ, जो यहाँ लोग श्रद्धालु आते हैं थक हार के, तो उनको ये बाबा जी मिलते हैं और यही यहाँ इनकी देखभाल करते हैं। यहाँ खाने पीने हर चीज़ की दिक्कत है यहाँ पे, और ये पूरे तन मन धन से इनकी सेवा करते हैं। और इनका नाम है श्री सिद्धेश्वर महाराज जी। अब हम आपके दर्शन करवाते हैं बाबा जी का। और ये लो जिन कुटिया पहुँच गए हैं, और ये इनका धुना है, ये हमेशा जलता रहता है, ये देख रहे हैं आप। और ये बाबा जी हैं, बाबा जी सीताराम।
और बाबा जी ही जो लोग आते हैं उनको चाय पिलाते हैं, जैसे मेरे को पिलाएंगे। और दोस्तों तो नमस्ते, नमस्कार, जय भोले नाथ की।